वेलकम बैक, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम आ चुके हैं पटना के जू में। आप देख सकते हो पीछे पटना का जू है, ये तो 3D है। अंदर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से रहते सब पहले टिकट लेते हैं, जो कि 30 रुपये का एक टिकट है। आगे चलते हैं, लाइन में लगाते हैं, टिकट खरीदते हैं और फिर चलते हैं जू के अंदर। देख सकते हैं टिकट लेने के लिए लाइन लगी काफ़ी लंबी। तो ये रहा हमारा टिकट, देख सकते हैं आप। तो अभी हम जू के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो ये टिकट था हमारा, अभी हम कटाए हैं। तो ये जू के अंदर ये आप देख सकते हैं। तो पटना चिड़ियाघर में कुल 39 प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है, और ये उन सभी का फोटो है 3D में। तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते रहेंगे। भीड़ नहीं है जू के अंदर, बस इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, और जो कि जानवर काफ़ी दूरी पर दिए हैं, दिख भी नहीं रहे हैं। और नहीं, आपको यहाँ पे वुल्फ देखने को मिलेंगे, भेड़िया देखने को मिलेंगे। वो आप देख सकते हो, वो वहाँ पे भेड़िया हैं, 3 भेड़िया हैं। और आगे चलते हैं और आपको जानवर दिखाते हैं। और ये भेड़िए के बारे में कुछ दिया गया है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जू में दिखाया गया कि लेपर्ड भी है और चिंपैंजी है, जबकि दोनों जानवर यहाँ पे है ही नहीं, बस दिखाया गया है, बस वो कुछ भी है नहीं यहाँ पे ज़्यादा कुछ। आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और ये आपको सामने दिख रहे हैं दो गिद्ध हैं, जो कि बिल्कुल विलुप्त की कगार पे हैं। पीछे आपको गिद्ध देखने को मिला, जो कि एक हिमालयन गिद्ध था, देखने में तो बहुत ही सुंदर गिद्ध था। और वहाँ पे काफ़ी दूरी पे है एक शेरनी है, बहुत ही दूर पे, इसे वीडियो को साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। और ये रहा लाइन जिसका 3D फोटो है, और वहाँ पे वो काफ़ी दूरी पे था, जो कि साफ नहीं आया होगा। और ये रहा लायन सोया हुआ है। यहाँ पे पीछे एशियाई लायन, और ये तो सिर्फ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये एक है, और ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, जो इस वक्त सोया हुआ है, जिसको आपको पहले दिखाए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा बाघ, जो इसमें सोया हुआ है। और आगे चलते हैं, आपको और भी जानवर दिखाते हैं। ये रहा बंगाल टाइगर। और ये आप देख सकते हैं, दो बियर है यहाँ पे, एक वहाँ पे टहल रहा है, एक यहाँ पे सो भी रहा है। दो बियर है। तो अभी तक हमने ये कई जानवर देखे, लेकिन भालू भी यहाँ पे देखने मिला, जो कि इसमें टहल रहा, बाकी सभी जानवर सो रहे थे। तो अभी ये भालू देखने बहुत ही अच्छा लगा। आगे चलते हैं और जानवर दिखाते हैं आपको। और ये दूसरे प्रकार के भालू, जिनका बाल छोटा होता है और ये शरीर से काफ़ी तगड़ होते हैं। ये यहाँ पर भी दो ही भालू हैं, दोनों लोग ये गन्ने का आनंद ले रहे हैं दोनों, ये देख सकते हैं आप। और ये रसदूर मुर्ग, जिसको सभी लोग जानते हैं, इसका अंडा सबसे हैवी होता है, मैक्सिमम 2 केजी का होता है ये इसका अंडा, ये देख सकते हैं आप। और एक शुतुरमुर्ग आप ये देख सकते हैं, इसकी लंबाई आदमी से भी काफी लंबा है, ये तो 8-8 फीट का लग रहा है देखने में। Thank you.
ये फिशिंग कैट, ये रहा काला हिरण जिसको तो सभी लोग जानते ही होंगे। ये रहा सामने जिराफ है, और एक घेरे के अंदर बहुत ही बड़ा जिराफ है वो। और ये देख सकते हैं, अब ये रहा गैंडा, ये एक सिंह वाला गैंडा है जो कि ज़्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को ही मिलता है। और ये दो सिंह वाले सफेद गैंडे हैं, ये तो बहुत ही ताकतवर होता है, और इसके चारों तरफ जैसे लगता है कोई लोहे की सीढ़ लगाई गई है देखने में लगता है। और ये रहा हाथी, भाई चिड़ियाघर के अंदर ज्यादा जानवर नहीं थे, बहुत ही काम के, बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही अच्छा भी नहीं था ना तो बहुत ही बेकार कह सकते हैं, बस एक नॉर्मल था। बस गए थोड़ा सा जीरा पूरा गैडा वैडा देखने को मिला, लेपर्ड वेपर्ड नहीं थे, बस शेर थे लेकिन काफ़ी दूरी पे थे, बिल्कुल सोए हुए, मतलब कोई एक चिड़ियाघर की रौनक वो नहीं देखने को मिली। तो अब चलने वाले हम पटना जंक्शन की तरफ, चलते हैं घर की तरफ, तो आगे और कुछ जानवर देखने को मिलते तो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखने को मिल सकती हैं, ये तो पटना जू के अंदर ही है, तो आपको दिखाते हैं हम बैक कैमरे से इसका। हमने पटना जू के अंदर लगभग एरिया कवर कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ देखी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली, जैसे घड़ियाल हो गया, लेपर्ड हो गया। और अभी हम लोग सर्पगिरी से बाहर आ चुके हैं क्योंकि वो सामने था, अब चलते हैं अपने जंक्शन की तरफ। लेकिन पटना जू के अंदर आपको एक भी पॉलीथीन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सफाई होती है, पॉलीथीन के बराबर सफाई की जाती है, क्योंकि जानवरों के लिए बिल्कुल ये नुकसानदायक होता है, पन्नी उन्नी ये सभी के लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। बहुत ही साफ इलाका था, तो हम इसके गेट से बाहर जाने वाले हैं। तो फाइनली भी हम जू से बाहर आ चुके हैं, तो इस ब्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फाइनली इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।